म एस सी हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज के लेक्चर पे हमने बात करनी है सी एफ टी पे यानी कि सी एफ टी हमको मालूम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे ओके तो देखिए ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है जितनी भी प्रॉब्लम है आप यहाँ देख सकते हैं वो सारे के सारे आपको मैं आज डिस्कस कराने वाली हूँ आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बट उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो प्लीज थोड़ी देर ध्यान से देखिएगा ओके खाली देखने के उससे मत देखना आपको मालूम है मैं नोट्स आपको शेयर करती हूँ बट वो शेयर मैं इसलिए करती हूँ ताकि एक बार अगर आप ये लेक्चर देख चुके होंगे देन आप जब उससे रिविजन करेंगे तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ओके तो इसलिए मैं आपको नोट्स भी शेयर कराती

उसकी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं उसका शेप निकाल सकते हैं उसका मैग्नेटिक बिहेवियर उसका कलर वो आपका स्पिन कैसा है ये सारी चीजें आप किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की निकाल सकते हैं इतनी चीज क्लियर है तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे सिंपल पहली बात की वो सिर्फ कॉर्डिनेट कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होती है दूसरी चीज आपको कॉर्डिनेट कंपाउंड की जितने भी फीचर्स आपको चाहिए तो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यहाँ अप्लाई करके इस कंपाउंड में उसके फीचर्स को देख सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओके अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखो आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पहले एक और थ्योरी पढ़ी थी वो थी VBT ओके okay? और VBT का अगर मैं आपको काम बताऊं तो VBT का काम भी यही था कि किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अगर आपने फीचर्स देखते हैं जो सारी चीजें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बोली वही काम VBT भी करता था ओके okay? तो देखो VBT के बाद आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई होगी तो इसका मतलब VBT में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी कुछ ऐसे लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से दूसरी थ्योरी को

कोऑर्डिनेट कंपाउंड के फीचर्स देखने दे तो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ले आए ऐसा कुछ नहीं था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पहले भी वीबीटी का कॉन्सेप्ट था और ये वीबीटी का क्या था कॉन्सेप्ट भी यही था कि वो किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के फीचर्स को आइडेंटिफाई करती थी लेकिन वीबीटी में कुछ लिमिटेशन आ गई थी कुछ ऐसी चीजें थी जो बीबीटी एक्सप्लेन कर रही थी बट वो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था तो इसीलिए वीबीडी के इस लिमिटेशन की वजह से कि साइंटिस्ट को क्या है? दूसरी थ्योरी को प्रपोज करना पड़ा जिसे बोला था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो मैं आपको पहले वीबीडी की लिमिटेशन दिखाती हूँ तो उससे पहले मैं आपको लिखा हुआ भी बता देती हूँ कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो थी वो आपकी वॉन ब्लिक आपके साइंटिस्ट थे इन्होंने प्रपोज की थी और इस थ्योरी में क्या होता है पहले देखो कॉर्डिनेट कंपाउंड तो बता दू कोर्डिनेट कंपाउंड आपके क्या होते हैं देखिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो दो टाइप के सिस्टम से बने होते हैं दो टाइप के एटम से बना होता है एक तो होता है मेटल एक होता है लेकिन अब देखो ये क्या होता है मैं भी आपको बताती हूँ देखो मेटल होता है जो आपका देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है सेंट्रल पे आपका मेटल 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 प्रेजेंट होगा जिसे आप जनरली सेंट्रल एटम कहते हैं ये नंबर ऑफ ग्रुप से अटैच होता है यहाँ पर कोई और और ग्रुप्स भी हो सकते हैं ओके और इन ग्रुप को हम पर्टिकुलर नाम देते हैं वो होता है जिसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपने देखा भी होगा कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखो मैं एक एग्जाम्पल लू जैसे मैंने लिया सीओ और एक और चीज यहाँ पर जो ये मेटल होता है ना वो मेटल हमेशा ट्रांजिशन मेटल ही होगा यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट ही होगा कभी भी आप यहाँ पर को एस ब्लॉक या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट को पुट नहीं कर सकते यहाँ सिर्फ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट ही होगा जैसे मैंने ले लिया सीओ ओके okay? तो सपोज सीओ क्या आपका ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट है इसके सराउंडिंग में मैंने लगा दिया लिगिनिगेंस क्या होते हैं लिगिन मैं आपको बता दूंगी और इनका टेबल वगैरह भी दिखाऊंगी बट सिंपली मैं ऐसा बोल देती हूँ कि ये जो ग्रुप्स होते हैं जिसे आप लिगिन कहते हैं इनका एक बिहेवियर होता है कि इनके ऊपर होते हैं लोन प्योर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे आप नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया लोन प्योर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और एक बॉन्ड ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होता है ओके तो ये जो इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये लिगिन की खुद से ऐसी टेंडेंसी होती है इसको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा लिगिन की खुद से ऐसी टेंडेंसी है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट करते हैं और इस मेटल की ये टेंडेंसी क्योंकि इसका ऑर्बिट हाफ फिल्ड है तो ये क्या करता है यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उठा के अपने पास ले लेता है जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कोई भी एटम अगर कोई भी ग्रुप लोन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो क्या बन जाता है बेस तो आप बोल सकते हैं हमेशा आपके बेस होते हैं और मेटल जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है ये ये हमेशा एसिड होता है क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ओके अब देखो इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं सीओ जैसे मैंने ले लिया एक मेटल है ट्रांजिशन मेटल इनमें मैंने लिगिन इनकेस मैंने ले लिया अमोनिया एन तो आप इसको कैसे लिखेंगे सॉरी ये गलत हुआ ये आप ऐसे लिखेंगे देखिए सीओ ओके okay. ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर होगा एनएस और एनएस का नंबर वरी कर सकता है कितना सपोज आप ऑक्ट्रा कंपाउंड के लिए ले रहे हैं तो मैंने लिख दिया इसके बगल में सिक्स यानी कि एनएस थ्री यानी कि लिगिड आपके कितने होने चाहिए सिक्स होने चाहिए और इन पूरे नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे और जितना चार्ज है आप यहाँ पर को शो कर सकते हो ओके okay? अब देखो यहाँ पर लिगेंड मैंने सिक्स ही लगाया है क्यों ये एक टाइप का ऑक्ट्रा कंपाउंड है इतनी चीज समझ में के केस में लेकिन कितने होता है? होते हैं सिक्स होते हैं तो इस टाइप के कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड इतनी चीज क्लियर है अब देखो यहाँ पर एक और चीज लिखा है ये जो थ्योरी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मॉम लाइट ऑन कर दो प्लीज तो देखो ये जो थ्योरी थी बता दिया बॉन्विख ने दी थी और ये थ्योरी क्यों एक्सप्लेन की गई थी क्यों कॉन्सेप्ट आया था इस थ्योरी का ये एक्सप्लेन करता था मेटल और लिगिन के बीच की बॉन्डिंग यानी कि ये जो मेटल है और ये जो लिगिड है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है कैसा बॉन्ड है बिहेवियर क्या है इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी डिराइव हुई थी जिसे बोला था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और ये थ्योरी सबसे पहले क्या है आयनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल हुई थी तो यहाँ लिखा है दिस थ्योरी इज फर्स्टली एप्लीकेबल फॉर द आयनिक स्पीसीज अब आपको मालूम है आयनिक स्पीसीज क्या है कभी भी फ्री फॉर्म में तो रहे

कि वीबीटी ने जो गलतियां की थी वो गलतियां क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने अपनी थ्योरी पे उसको सुधारा है तभी तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई वीबीटी की जो मिस्टेक थी उनको सही किया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने तो मिस्टेक क्या थी मैं आपको पहले चीज बताती हूँ ये बोल रहा है की वीबीटी जो थ्योरी थी आपको पता है पाउलिंग ने एक्सप्लेन की थी तो इसे पाउलिंग वीबीटी थ्योरी भी बोलते हैं और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स है कौन सा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड ओके तो वो कंपाउंड हमेशा जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती है इस कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग रहती है जिसे आप कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग

अगली चीज क्या है अगली चीज बोल रहा है इफ ए कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन द ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सिबिट बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैग्नेटिक मूवमेंट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय बीबीटी तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि, कि किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट जिसे आप सिंपली न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको अगर आपने कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आपने काउंट करना होता है तो वीबीटी ने मैग्नेटिक मूवमेंट का कॉन्सेप्ट भी नहीं लाया था ओके नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है रहे हैं नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखिए वीबीटी के अकॉर्डिंग लिगेंड तो थे मेटल के साथ जो ग्रुप अटैच उन्होंने लिगेंड बोला बट ये लिगेंड क्या होता है वीक होते हैं स्ट्रांग होते हैं इनका नेचर क्या होता है ये सारे कॉन्सेप्ट क्या वीबीटी ने एक्सप्लेन ही नहीं किया था नेक्स्ट चीज क्या है इट डज नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है मैं आपको आगे भी बताऊंगी बट रफली इंट्रोडक्शन में यहाँ भी दे देती हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है एक सीरीज होती है यानी कि एक रो है ना तो कि तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है जब उनकी रिएक्टिविटी नहीं पता है कि उनको लगता है सारे लिगेंड एक ही जैसे होते हैं उनमें कोई वीक नहीं होता है कोई स्ट्रांग नहीं होता है तो उनको उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज करना तो पॉसिबल ही नहीं है तो ये सारी लिमिटेशन आ गई थी वीबीटी की जिन्हें बाद में सी ने और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था ओके ये सारे कॉन्सेप्ट सीएफटी ने अपनी थोड़ी पे एक्सप्लेन किए ओके तो अब आगे बढ़ते हैं सीएफटी में क्या हुआ था इतनी चीज क्लियर हो रही अब देखो CFT के पॉजिटिट में आपको बता दू की CFT के अकॉर्डिंग क्या क्या बात है तो जो आपका जो सेंट्रल मेटल रखना यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट रखना कि ये जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है जिसे आप सेंट्रल मेटल आइटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन भी बोलते हैं ये नंबर ऑफ लिगेंड देखो यहाँ आयन भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर को अगर आपने सीओ ले लिया मे बी सीओ के ऊपर थ्री पॉजिटिव चार्ज हो

उसका जो बिहेवियर होगा वो डाइपोल नेचर का होगा यानी कि वो दो पोल जनरेट करेगा दो पोल जनरेट करेगा मतलब देखो डाइपोल नहीं पता है तो मैं भी वो भी आपको बता देती हूँ सपोज आपका कोई लिगेंड है जैसे मैंने इसे ले लिया ए बी टू टाइप का लिगेंड ए बी टू टाइप का आपके पास लिगेंड है अब मैं इसे खोल के लिखू तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं ए बी बी ओके अब देखो इनकेस सपोज अगर आपने यहाँ डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या होगा ये जो बी एटम है मे बी वो ए के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो मैंने आपको बार बार बोला है कि देखो यहां पर को हुआ क्या होगा यहां पर को तो ए और बी के बीच में दो इलेक्ट्रॉन तो शेयर्ड है ओके बट बी के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी ओर खींचने का ट्राई करेगा क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो एलिमेंट्स तो क्या होते हैं ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर तो करते हैं बट ये ट्राई करते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन इसने जो शेयर कर रखे हैं बॉन्ड बना रखे हैं बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इनको अपनी ओर कर लेना ओके तो ये क्या होगा बॉन्ड तो बनाएंगे बट यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन और इस पोजिशन में थे अब वो बी के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या है थोड़ा शिफ्ट होके ई ये जो ये वाला ई है ना ये शिफ्ट होके थोड़ा यहाँ को चला जाएगा ओके okay? जिसकी वजह से क्या है अब आप देख सकते हैं बी के ऊपर अगर, अगर आपको चार्ज देखना है तो आपको लगेगा कि बी में चार्ज तो वही है बट क्या बी थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो गया क्यों दोनों इलेक्ट्रॉन बी के ज्यादा पास है यानी कि इसके ऊपर क्या हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और अगर ए के पास नेगेटिव चार्ज कम हो गया यानी कि नेगेटिविटी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी ओके तो अब आप खुद ही देख सकते हैं मैं आपको ये चीज बार बार बोलती हूँ कि ए और बी में अगर आप क्या पूरा चार्ज नहीं लगा सकते पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ आपसे पार्शियल लगाएंगे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव मतलब कि थोड़ा सा चार्ज बड़ा घटा है इतनी चीज क्लियर है अब आप देखो ये दोनों कंपाउंड में ये दोनों एटम्स के बीच में पोल जनरेट हो गया एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल इसी को क्या बोलते हैं डाइपोल इतनी चीज क्लियर है तो ये बोल रहे कहते हैं क्योंकि इनका डाइपोल नेचर होता है बिकॉज ऑफ दे हैव डाइपोल नेचर इतनी चीज क्लियर है अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू देखो अगला क्या था अकॉर्डिंग टू सी एफ टी थी के अकॉर्डिंग क्या था ये जो मेटल और लिगेंड बॉन्ड है इनके बीच में जीरो परसेंट

देखो ना कोवलेंट बॉन्ड आप सभी को मालूम है कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग से जो बॉन्ड क्रिएट होता है उससे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास आपके पास भी और मेरे पास भी हम दोनों को दोनों से उसी से काम चलाना है तो हम क्या करेंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है ये आपका ऑर्बिट है ये मेरा ऑर्बिट है हम क्या करेंगे दोनों इसको शेयर कर देंगे तो जिसकी वजह से क्या है हम दोनों के ऑर्बिट क्या होंगे एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर देंगे समझ में आया ओवरलैपिंग करने की वजह से यहाँ पर को एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन गया आपके और मेरे बीच इतनी चीज क्लियर है तो ये बॉन्ड होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड लेकिन आप खुद ही देखिए मेटल और लिगिन के बीच में कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही क्यों नहीं हो रही कहां आपको ओवरलैपिंग दिखती है ये तो दो इलेक्ट्रॉन से बने हुए ही है ना यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो ही नहीं रही अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती तो यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगी ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते यहां पर इलेक्ट्रॉन होता बट यहाँ पर को आप खुद ही देख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन तो सेपरेट सेपरेट है और मेटल के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन है लिगिन के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन है ना इन दोनों के ऑर्बिट एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो कोवल बॉन्ड बनने का नेचर मतलब कोवेलैंड बॉन्ड बनने

पर मैं एक चीज आपको पहले बोल दूं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे आप स्प्लिटिंग देखते हैं स्प्लिटिंग आपकी क्या है आप जनरली ये सोचते हैं कि ऑक्ट्रा हेडल और टेट्रा हेडल के लिए ही होती है बट ऐसा नहीं होता आप पढ़ते हैं आप 11, ट्वेल्थ पे भी आप ऑक्ट्रेडल और टेट्रा के बारे में पढ़ते बी बीएससी में भी और एमएससी में भी आपको इन दोनों के बारे में ही पढ़ना है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर प्लेनेट जैसी और ज्योमेट्री है उनके लिए भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एप्लीकेबल होती है बट आपके सिलेबस में दो टाइप की ज्योमेट्री के बारे में बात की है तो हम आज के लेक्चर में इन दोनों टाइप की ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे ओके तो पहले हम लोग देखेंगे कि ऑक्टोहेडवल टाइप के जो कंपाउंड होते हैं ऑक्टोहेड्रल जो ज्योमेट्री जो है इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है और फिर देन टेट्राहेड्रल के लिए बात करेंगे ओके तो आपने पेपर पर भी इसी पैटर्न पे आपने एक्सप्लेन करना है तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्टोहेड्रेल ज्योमेट्री के लिए ऑक्टोहेडवल टाइप के कंपाउंड के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है ओके okay. तो अब देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग पर्टिकुलरली ऑक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के लिए ओके okay, तो यहाँ पर आपने क्या करना है आपने थोड़ी देर ध्यान से सुनना है हम स्टेप वाइज सारी जो को फॉलो करते हुए जाएंगे मैं आपको बीस से उठा के कुछ नहीं बढ़ा दी ओके okay? तो देखो यहाँ पर लिखा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर एन ऑक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड बाई द फॉलोइंग स्टेप तो आपने फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करना है सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है शेप ऑफ फाइव डी ऑर्बिट ऑफ्रल आप देखेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन जब आप करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका जो लास्ट ऑर्बिट होता है वो हमेशा कौन सा ऑर्बिट होता है डी ऑर्बिट होता है और अगर आप इसकी एनर्जी दिखाएंगे तो ये फिफ्थ एनर्जी का रहता है ना यानी कि ये फाइव डी ऑर्बिट ही होता है ओके तो यहाँ पर लिखा है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट का जो आपका ऑर्बिट है लास्ट ऑर्बिट है वो आपका क्या होता है फाइव डी ऑर्बिट होता है अब आपने इसका बनाना है शेप ओके okay. तो देखो आपको मालूम है एस में क्या होता है एक ऑर्बिट होता है पी में तीन ऑर्बिट होते हैं तो डी में कितने होंगे फाइव ऑर्बिट होंगे तो आपने फाइव ऑर्बिट यहाँ लिख दिए ओके okay. अब फाइव ऑर्बिट को क्या है सबसे पहले इन्होंने बोला ये आपके जो फाइव ऑर्बिट है सेंट्रल मेटल आइटम की इनको दो एनर्जी लेवल पे हम लोग दो सेट में क्लासीफाई करते हैं आपको मालूम होगा एक सेट होता है हमारा टी एक सेट होता है हमारा ई अब एक और चीज मैं आपको बता दू यही चीज आपने क्या है जब आप टेट्रा के लिए करेंगे तो देखिये टेट्रा सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही तो वरी कर रहा है समझ में आ रहा आपका मेटल तो ट्रांजिशन मेटल ही रहेगा देखो टेट्राहेड्रल में क्या होगा यहां पर छह लेकिन एटम तो आपका वो ही रहेगा ओके अगर आपने सेंट्रल मेटल एटम का वहां भी जब आप उसका शेप बनाएंगे तो उस केस में भी दो एनर्जी सबसेट में क्लासीफाई करेंगे एक वहां ना जैसे यहाँ टी टू जी और ई e जी है वहां सिंपली जी नहीं लग के सिर्फ टी टू और ई जाएगा यानी कि हां आपका क्या होगा t2 और e ओके okay, यहाँ g जो साइन लगा हमने g ये हट जाएगा इतनी चीज क्लियर है तो यहाँ पे लिखा है जो सेंट्रल मेटल एटम है हमने उसे ऑर्बिट तो बना दिया और सबको उनका एनर्जी के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया और आपको मालूम पड़ेगा जो ये ऊपर की तीन है यानी कि dx y dy z और dz x ये तीनों की एनर्जी इक्वल होती है यानी कि इनकी एनर्जी क्या होगी टी टू जी एनर्जी होगी और बचे हुए जो दो ऑर्बिट है कौन से डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इनकी एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होगी जो होगी ई जी एनर्जी इतनी चीज क्लियर है अब देखो मैंने यहां पर कोई इनका डायग्राम भी रिप्रेजेंट किया कि ये तीनों की एनर्जी इक्वल क्यों है और इन दोनों की एनर्जी इक्वल क्यों है तो आप ये देख सकते हैं ये तीनों क्या है आपके नॉन एक्सियल एक्सल डी ऑर्बिट के तो यहाँ देखिए ये डी एक्स वाई में क्या है ये आपकी एक्सिस है वाई एक्सिस ये आपकी एक्स एक्सिस ओके तो यहां देखेंगे ये एक्सिस पे बिल्कुल भी ऑर्बिट इनका जो ऑर्बिट है

ये होता है डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्र ये तो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ये वाला होता है आपका डीजेड स्क्वायर क्योंकि ये एक ही एक्सिस यानी कि जेड एक्सिस पर बना होता है और इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है जो होती है इजी इतनी अच्छी समझ में आए ये होगी इनकी एनर्जी और इनका ऑर्बिट ओके okay. अगले स्टेप में क्या करेंगे स्टेप होता है ये जो आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ एक्टा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि अब आपने क्या करना है जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें स्प्लिटिंग दिखानी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अब स्प्लिटिंग कैसे होती है तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिंपली बता दू ये जो आपके क्या है सारे ऑर्बिट है डी ऑर्बिट ये आपके डी एक्स वाई हो गया ये आपका डी वाई जेड हो गया ये आपका डी एक्स जेड हो गया ये आपका क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और ये आपका हो गया डी जेड स्क्वायर ओके तो यहाँ देखेंगे ये पहले इनिशियली क्या है ये सारे के सारे ऑर्बिट सेम एनर्जी के यानी कि यहाँ पर को कोई एनर्जी जैसे अभी मैं बोल रही इन तीनों की एनर्जी एक इक्वल होती है इन तीनों की एनर्जी इक्वल होती है जो कि ये किसकी होती है टी टू जी के और ये ई जी के इक्वल बट इनिशियली जब इनमें कोई भी लिगिंड नहीं लगा ये आपका सेंट्रल मेटल एटम का ऑर्बिट है समझ में आ रहा है ये मेटल आपने क्या है मेटल अकेला लिया हुआ है सिंपल अभी आपने कोई भी लिगिड इसके सराउंडिंग में अटैच नहीं किया इनिशियली आपका मेटल आइसोलेटेड है तो आप इस मेटल की अगर आप एनर्जी देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी मिलेगी यहाँ पर वो ये टी टू जी और ई जी एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी इन तीनों एनर्जी क्या है इक्वल होगी

चेंज हो जाएगी मेटल डिजेनरेटेड स्टेट पर नहीं रहेगा समझ में आया तो यहाँ पर को आपने डॉटेड लाइन से दिखाना है ये है हाइपोथेटिकल डिजेनरेशन ऑफ फाइव डी ऑर्बिट ओके तो यहाँ पर को क्या दिखाया हाइपोथेटिकल यानी कि हम उसे सोच रहे हैं कि इसकी एनर्जी क्या है बढ़ गई थोड़ी पहले यहाँ पे थी आपने जैसे लिगेंट इसकी यह एनर्जी okay? तो okay? चेंज हो रही है अब देखेंगे एनर्जी चेंज होने की वजह से ये स्प्लिट कर जाएगा स्प्लिट क्यों करेगा क्योंकि आपको मालूम है ये तीन जो सेट है ये जो तीन ऑर्बिट है डी एक्स वाई डीवाई जेड और डी जेड एक्स इनकी एनर्जी क्या है टी टू जी है और इन दोनों की एनर्जी क्या है इजी है ओके okay? और फॉर हेडवल कॉम्प्लेक्स किसी भी ऑक्टा कॉम्प्लेक्स के लिए जो आपकी टी टू जी एनर्जी होती है वो आपकी कम होती है कंपेयर टू इजी यानी कि जो एनर्जी ऑर्बिट है मतलब एनर्जी डायग्राम है इस पर आप देख सकते हैं कि ये जो टी टू जी वाले आपके सेट थे वो नीचे चले गए जब आपकी स्प्लिटिंग हुई ऑर्बिट की तो ये जो यानी कि ये डी एक्स वाई हो गया डी वाई जेड हो गया डी जेड एक्स ये, okay? ये तीनों नीचे लाई कर गए और ये जो बचे हुए दो यानी कि सेट है Dx2 और Y2 और Dz2 वाले ऑर्बिट ऊपर चलेगी जिनकी एनर्जी है EG. इतनी चीज क्लियर है ये क्यों हुआ सिंपली बिकॉज ऑफ लिगेंड्स लिगेंड्स की वजह से ही आपकी स्प्लिटिंग होती है मेटल तो इनिशियली इसकी ऑर्बिट बिल्कुल स्प्लिटिंग नहीं करते सबके एनर्जी जितने भी ऑर्बिट है सबकी एनर्जी इनिशियली बराबर होती है लेकिन जैसे ही इसमें लिगेंड अप्रोच कर ता है ये मेटल के जितने भी ऑर्बिट है वो स्प्लिट कर जाते हैं दो सेट में और दो सेट कैसे हो गए मैंने बता दिया एक तो नॉन एक्सियल सेट हो जाता है एक एक्सियल सेट हो जाता है वो कुछ इस तरह से स्प्लिट कर जाते हैं इतनी चीज क्लियर है अब ये जो सेंटर वाला लाइन ला ला दिखाया सेंटर वाला लाइन क्या है इन दोनों के बीच का ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं डेल्टा नॉट ओके और इनकी एनर्जी कितनी होगी अगर डेल्टा नॉट से अगर आप मेजर करेंगे तो ये ऊपर वाले सेट की एनर्जी कितनी होगी 0.6 डेल्टा नॉट और नीचे वाले सेट की एनर्जी कितनी होगी माइनस फोर पॉइंट माइनस पॉइंट फोर डेल्टा नॉट यानी कि दोनों नंबर आपकी पॉइंट से बाद में ओके तो ये इनकी एनर्जी का रहता है इतनी चीज क्लियर है अब देखो ये आप ऑक्टा हेडवेल केडवल के केस में, के के में इसी का एग्जिट उल्टा कर देंगे इतनी चीज क्लियर है तो यहाँ पर लिखा हुआ है अब मैं आपको दिखाते हुआ लिखा है द सेंट्रल मेटल एटम बींग प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड फॉर्म जब आपका सेंट्रल मेटल आइटम आइसोलेट फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके जो डी ऑर्बिट है हम सारे ऑर्बिट के बारे में नहीं बोल रहे उसका जो डी ऑर्बिट है उसमें जितने भी ऑर्बिट है यहाँ पर ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड स्कवाइ डी जेड जितने भी है ये सबके एनर्जी क्या होती है इक्वल होती है तो यहाँ लिखा है देन द एनर्जी ऑफ ऑल द द ऑल इन सेम ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम एंड ऑल द फाइव डी ऑर्बिट

लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका लिगेंट होगा उतनी ही ज्यादा आपकी स्प्लिटिंग होगी और जितना वीक आपका लिगिट होगी उतनी ही कम आपकी यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी इतनी चीज क्लियर है अभी मैं इसे और आगे क्लियर कराऊंगी तो यहां लिखा हुआ है दो एनर्जी सेट में टूटता है एक एनर्जी सेट टूटती है इजी एक, एक होती है टी स्मॉल होती है okay? टी टू जी ओके तो ईजी जो सेट होती है फॉर ऑक्टो कॉम्प्लेक्स ये हायर एनर्जी लेवल होता है एनर्जी लेवल ही ज्यादा होता है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है और फॉर ऑक्टा कॉम्प्लेक्स के लिए टी टू जी सेट जो होता है वो आपका क्या होता है लोअर एनर्जी लेवल होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं जी तो जो टर्म है वो तीन टर्म से बना है टी टू जी तो इसमें जो बचे है बचे हुए तीन है वो आते हैं ओके और टी टू जी क्या है? बड़ा है तो वो नीचे लाइक करेगा आपका छोटा है तो वो ऊपर लाइक करेगा और ईजी में आपके दो ऑर्बिट आएंगे जो डी एक्स स्क् और डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्र वाले ऑर्बिट इतनी चीज समझ में आए और इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको दिखा दिया ओके अब ये बोल रहा है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्प्लिटिंग सेट ऑफ डी ऑर्बिट इज इज नोन एज अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंस और ये इन दोनों स्प्लिटिंग एनर्जी स्प्लिटिंग ऑर्बिट के बीच में जो ये एनर्जी डिफरेंस है इस एनर्जी डिफरेंस को ही आप क्या बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंस तो यहां लिखा हुआ है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी स्प्लिटिंग डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में जो ये एनर्जी डिफरेंस होता है इसी को आप बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंस इतनी चीज क्लियर है अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है इतना आप कर लेंगे अगले स्टेप फोर्थ में आप क्या करेंगे अब इनको अरेंज करेंगे अभी तो हमने जिस स्प्लिटिंग दिखाई है कि ऑर्बिट स्प्लिट कैसे होगा अब अगर यहाँ पर को मैंने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी दिखा दी कि सपोज मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए ओके यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन है तो जब स्प्लिटिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे समझ में आ रहा अगर आपने यहाँ पर को क्या इसे डी एन ऑर्बिट कंसिडर कर दिया तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन पहले इस ऑर्बिट में घुसेंगे या फिर इस ऑर्बिट में घुसेंगे समझ में आया यानी कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी इसके बारे में अब हमने पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे कहां कहाँ कहा, मूव करता है ओके तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिखा हुआ है स्टेप फोर्थ क्या है अरेंजमेंट ऑफ ए डी एन कॉन्फ्रुगेशन डी एन कॉन्फ्रुगेशन मतलब की डी इलेक्ट्रॉन की बात करें डी यहाँ पर वन भी हो सकता है वन मतलब की एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डी ऑर्बिट में अगर डी टू होगा तो दो इलेक्ट्रॉन और डी मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके प्रेजेंट है तो आप उसे बोल रहे डीएन कॉन्फ्यूगेशन ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम इन ए स्प्लिटिंग सेट ऑफ ए डी ऑर्बिट अगर आपका डी ऑर्बिट स्प्लिट हो गया तो जब आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करानी है तो कौन से ऑर्बिट में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और कौन से में बाद में ओके okay. तो यहाँ पर लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा इस पे लिखा है टू डिफाइन द अरेजमेंट ऑफ ए डी एन कॉन्फ्रुगेशन डी एन कॉन्फ्रोगेशन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपने डालने कहां डालेंगे करके तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्प्लिटिंग सेट ऑफ डी ऑर्बिट एट फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो मैंने आपको क्या बोला था वीबीटी ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी एक्सप्लेन नहीं की थी तो आपको पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिट में डालना है और किस में बाद में डालना है तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है पहले मैं आपको बता देती हूँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है एक सीरीज है जैसे आप यहां देख सकते हैं ये एक सीरीज

क्या होते हैं तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्ट्रांग लिगेंड क्या होते हैं दोस लिगेंड जैसे मैंने आपको बताया अगर आपने लिगेंड देखो मैंने क्या बोला कि मेटल इनिशियली अगर आइसोलेटेड फॉर्म में है तो इसके जितने भी डी ऑर्बिट है पांच जो आपके डी ऑर्बिट है वो एक ही एनर्जी के किसी की एनर्जी ना ज्यादा है ना किसी की कम है लेकिन अगर आपने इसी मैटर में लगा दिए लिगिन तो क्या होगा ये जो आपके ऑर्बिट है डी ऑर्बिट है इनकी एनर्जी इक्वल नहीं रहेगी ये दो सेट में टूट जाएंगे एक की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और एक की एनर्जी कम हो जाएगी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल बता रही हूँ टेट्राहेड्रल के केस में इसी का एक्सिट उल्टा हो जाएगा ऊपर आपके तीन आ जाएंगे नीचे आपके दो आ जाएंगे यानी कि ऊपर आपका टी टू आ जाएगा और, और यहाँ पर आपका क्या है ये ई जी है ये आपका टी टू है जी है मैंने आपको बोला ऑक्टा के केस के के में आप जी का टर्म यूज करते हैं लेकिन टेट्रा के केस में आप जी यहाँ पर नहीं लगाते यहाँ पर को सिर्फ टी टू के साथ जी नहीं होगा ई के साथ यहाँ पर को जी नहीं होगा इतनी चीज क्लियर है अब देखो ये लिगिन की इसका मतलब सिंपली ये हुआ ना कि मेटल की ऑर्बिट तो बराबर है एनर्जी के लेकिन जब लिगेंड आ रहा है उसके बेसिस पे आपकी स्प्लिटिंग हो रही है एनर्जी के लेवल में तब वो क्लासिफाई हो रहा है तो यहाँ पर लिखा है अगर आपने इन केस मेटल के साथ कोई स्ट्रॉग लिगेंट लगा दी यानी कि सपोज मैंने लगा दी सीओ सीओ एक टाइप का स्ट्रॉन्ग लिगेंट है यहाँ पर दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो अगर मैंने यहाँ पर सीओ लगाया देन आप देखेंगे यहाँ पर स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी देखो मैं आपको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे क्या है मैंने यहां पर को ले लिया कुछ और भी ले लिया डीएन ले लिया ओके अब क्या है यहाँ पर को अगर मैंने इसको क्लासिफाई किया आपको मालूम है नीचे ही आपके तीन में टूट रहा है ऊपर आपके दो में टूट रहा है तो जब आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेंगे सपोज मैंने मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड यानी कि सीओ ले लिया देन आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी वो बहुत ज्यादा होगी ओके okay. अगर बहुत ज्यादा है देन आपको अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दू सपोज मैंने दे दिए सिक्स इलेक्ट्रॉन सपोज ये मैंने दे दी सेवन इलेक्ट्रॉन ओके तो अब आप सोच सकते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन तो यहीं जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है दूसरा यहाँ जाएगा तीसरा यहाँ जाएगा अब आप देखो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजना या फिर यहाँ आप रिपीट करेंगे उसके लिए आप देखेंगे लिगेंड आपने कैसा देखा है अब अगर आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके मेटल के साथ अटैच है ओके सीओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो देखो आपको क्या पता चलेगा कि सी यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराता है बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग कराता है अगर इस ऑर्बिट यानी कि ये जो ऑर्बिट है और इन ऑर्बिट के बीच में बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग है यानी कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस में एक दूसरे के साथ टूटे हैं तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाना क्या होगा काफी डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ज्यादा है ये आपको छोटी दिख रही होगी बट ये स्प्लिटिंग क्या होगी बहुत ज्यादा होगी अब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना इसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पर को पेयरिंग हो जाएगा और इस केस में आपकी पेयरिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर करने में जो एनर्जी लगेगी तो यहाँ पे जो पेयरिंग एनर्जी होगी वो आपकी कम होगी यानी कि पेयरिंग एनर्जी आपकी कम है और आपके जो स्प्लिटिंग एनर्जी जिसे आप डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे अभी मैंने आपको बताया जो ये एनर्जी होती जिसे आप डेल्टा नॉट कहते हैं ये एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डालने में ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए होगी और यहाँ को इलेक्ट्रॉन डालने में यानी कि पेयर करने में इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम ली होगी तो इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा इतनी चीज क्लियर है लेकिन अगर आपने यहाँ पर वीक लिगेंड लगा दिया तो क्या होगा देखो अब मैंने आपको बताती यहाँ पे है वीक लिगेंट वीक लिगेंट यानी कि अब आपने सीओ नहीं लगाया मेटल के साथ लगा दिया okay? फ्लोरिन एक टाइप का वीक लिगेंट है और मैंने बोल दिया आपके मेटल का जो डी ऑर्बिट है इसके पास है है सेवन इलेक्ट्रॉन तो तो की आने की वजह से स्प्लिटिंग तो होगी इसका जो डी इनिशियली जो यहाँ पर पांच डी ऑर्बिट थे ये स्प्लिट कर गए ओके okay? और आपको मालूम है ऑक्ट्रोहेड है यानी कि आपके पास छह फ्लोरिन लगे तो ये किस सेट में टूटेगा ऊपर आपका जाएगा ईजी और नीचे जाएगा आपका टी टू जी इतनी चीज क्लियर है अब आप क्या करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और आप

इलेक्ट्रॉन फिलिंग क्या है कभी भी ऊपर नहीं होगी दोबारा यहाँ पर को पेयरिंग हो जाएगी लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन फिलिंग नहीं होगी ओके और एग्जाम्पल के लिए दिया सीओ एच टू ओ सी एन आप देख सकते हैं ये जो लिगेंट्स है ये नीचे साइड के जो लिगेंड्स है ये आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है ऊपर वाले लिगेंट आपके वीक लिगेंस है ओके और वीक लिगे क्या बोला है ऐसे लिगिन जिनकी वजह से स्मॉल स्प्लिटिंग होगी स्प्लिटिंग स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर फिल करना भी बहुत मामूली सी बात हो जाएगी लेकिन पेयरिंग करने में आपको ज्यादा एनर्जी लग जाएगी ओके तो इसके एग्जाम्पल है जो आपके हाइलोजन एटम होते हैं उसके साथ साथ हाइड्रोक्सिक ग्रुप भी एक टाइप का आपका वीक लिगेंट है ध्यान देना आगे लिमिटेशन में पड़ेंगे ओके इतनी चीज क्लियर है अगले स्टेप में अब हमने क्या कर रहे हैं देखो दो केस अराइज हो रहे हैं एक केस ये अराइज कॉन्फ्रुगेशन कराना यानी कि डी एन मतलब मैक्सिमम वन टू टेन हो सकते हैं ओके, हो सकते है, 1, 2, हो सकते है, ओके तो मैंने यहाँ पर को सिर्फ चार ऑर्बिट दिखाया आप इन्हें समझ जाएंगे तो बाकी ऑर्बिट तो खुद ही बना लेंगे तो यहाँ पर लिखा है डी एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रुगेशन हमने कराना है लेकिन ये चीज ध्यान रखना अंडर द वीक लिगिंस यानी कि अगर हमारे पास टल है मेटल metal metal के साथ वीक लिगेंट कौन होनी चाहिए मेटल इनिशियली ये है मेटल जिसके क्या है और भी टूटे नहीं है यानी कि ये सबके सब डिजनरेटेड सब है एक एनर्जी के है लेकिन आपने जैसे लिगिट लगा दिया हमने सपोज लगा दिया फ्लोरिन क्यूँकि फ्लोरिन एक टाइप का वीक लिगेंट है फ्लोरिन 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 एंड फ्लोरिन फ्लोरिन छह फ्लोरिन लगेंगे क्योंकि ऑक्टोहाड्रल कॉम्प्लेक्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जैसे ही आपने छह लगा दिए तो ये ये जो आपका डी ऑर्बिट है टूट के कहां चला गया दो एनर्जी लेवल पे टूट गया और आपको मालूम है के, के केस पे, टी टू जी एनर्जी क्या होती है लोअर एनर्जी होती है और ईजी एनर्जी क्या होती है हायर एनर्जी होती है इतनी चीज क्लियर होगी अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी जैसे मैंने आपको बताया वीक लिगिन केस में ये जो स्प्लिटिंग है वो कम होगी यानी कि इस केस में यहाँ पर मैं लिख दूँ की इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी कम होगी कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी यानी कि पेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी कंपेयर टू ऊपर डालने के कंपेयर में ओके okay, तो इलेक्ट्रॉन को जैसे मैं फिल करू डी वन है तो obviously बात है यह वाले पर जाएगा और यहां पर को आप लिखेंगे कैसे इसका तो नीचे लिखा है टी टू जी और ई जी तो टी टू जी की वैल्यू कितनी होगी वन और ई जी की वैल्यू कितनी होगी जीरो इतनी चीज क्लियर है अब अगले स्टेप में देखो ये है डी थ्री डी थ्री में क्या होगा वन टू एंड थ्री और यहाँ पर वैल्यू कैसे फिल करेंगे जो ये टी जी ये तो आपका टी जी और है, इसकी वैल्यू कितनी तो होगी जीरो नेक्स्ट पे चलते अब आया डी फोर डी फोर में आप क्या करेंगे देखो वन टू थ्री अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ डाला यहाँ डाले या यहाँ डाला अब आपने क्या बोला वीक लिगेंट है वीक लिगेंट के केस में स्प्लिटिंग कम हो रखी है छोटी सी स्प्लिटिंग है लेकिन एनर्जी आपको कम चाहिए जितनी एनर्जी आपको पेयरिंग के लिए यहाँ पर को एनर्जी एनर्जी पेरिंग चाहिए। कि पेरिंग होना अपना इलेक्ट्रॉन डाल देंगे चीज क्लियर है तो अब आपने क्या करना है देखो यहाँ पर को आपका क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री क्योंकि टी टू जी में थ्री इलेक्ट्रॉन है और ई जी में कितने हैं वन इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा ओके सिक्स के केस में क्या होगा वन वीक में क्या होगा ऊपर चले जाएगा फोर फाइव और सिक्स सी बात है यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए d6 सिक्स में टी टू जी ऑर्बिट है टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टू 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 फोर और ई में कितने होंगे टू इतनी चीज क्लियर है तो यह ऐसे होती है आपकी डीएन कॉन्फ्रिगेशन यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिए है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी तो हम इतनी चीज समझ गए आपने स्प्लिटिंग कैसे करानी है एंड देन स्प्लिटिंग कर दी तो फिलिंग कैसे करानी है okay. ओके अब आगे बढ़िए अब दूसरा केस हमने ले लिया इन केस आपने क्या ले रखा है अंडर स्ट्रॉन्ग लिगिन के कंडीशन में आप डीएनगेशन की क्या करा रहे हैं फिलिंग करा रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम पे ओके तो क्या होगा देखो डी वन है इनिशियली मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर को तो सारे ऑर्बिट जो है वो एक एनर्जी के हैं इनिशियली जब आपका मेटल आइसोलेटेड है ओके okay? लेकिन जैसे आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंट लगा दिए वो भी कितने लगाने ऑक्टाहेड्रल की बात है तो छह लगाने होंगे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड आपने लगा दिया कार्बन मोनोऑक्साइड ओके okay? और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा अगर मैं आपको बोलूँ तो ये होगा आपका मेटल मेटल के बाहर होगी सिक्स लिगेंड जिसके नंबर okay? को की बात नहीं के केस पे आपकी आपको मालूम है स्ट्रॉन्ग लिगेंड बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग करता है तो इस केस में आपकी स्प्लिटिंग की जो एनर्जी है वो हमेशा ज्यादा होगा कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी यानी कि इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को पेयर करने में उतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी जितने इलेक्ट्री को वाले में इतनी चीज क्लियर है, कैसे होगा? जैसे मैंने आपको बताया डी वन है तो ऑब्वियस बात है यहाँ आएगा और यहाँ पर आप इसका ये लिखेंगे तो क्या होगा टी टू जी की पावर कितनी होगी वन इलेक्ट्रॉन की और इजी की पावर होगी जीरो इलेक्ट्रॉन की ओके okay? अब डी टू के, के इतना भी सिंपल है वन ओके okay. और इसे कैसे लिखेंगे टी टू जी की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे टी टू जी की पावर होगी टू और इजी की पावर कितनी होगी जीरो नेक्स्ट में क्या है डी सिक्स आप डी सिक्स में क्या करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब आपके पास तीन बच्चे हैं. अब मैंने आपको क्या बोला जब आपकी यहाँ पर को क्या कौन सी स्प्लिटिंग हो रही है ये आपकी स्ट्रॉग लिगेंड की वजह से तो ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है तो स्प्लिटिंग मैंने आपको क्या बोला स्प्लिटिंग यहाँ ऊपर इलेक्ट्रॉन फिल करने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी इससे बढ़िया है कि हम सीधे ही यहाँ पेयरिंग करा दे तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा इतनी एनर्जी तो है नहीं मेरे पास तो मैं यहाँ पर पेयर कर दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं छह इलेक्ट्रॉन पूरे ऐसे पेयर होंगे ऊपर नहीं जाएंगे जबकि यहाँ देखेंगे आप वीक के केस में डी सिक्स में कैसे इलेक्ट्रॉन गए थे टू यहाँ थे ये यह देखो यहाँ फोर थे यहाँ टू थे लेकिन अब क्या है यहाँ पर डी सिक्स के केस में सारे इलेक्ट्रॉन टी टू जी ऑर्बिट में फिल हो रहे तो ये टी टू जी और ये ई जी तो ये होगा टी टू जी की पावर सिक्स और eg की पावर जीरो ओके तो डी एट के, के केस में क्या होगा वन टू थ्री पहले यही फिल होंगे फोर फाइव और सिक्स ओके अब जाएंगे ऊपर सेवन एट इसलिए चीज क्लियर है तो ये होगा टी टू जी की पावर सिक्स और ईजी की पावर कितनी हो जाएगी टू तो ऐसी ही होती है अगर आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लिया किसी भी सेंट्रल मेटल आइटम में तो स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या होगा इतनी चीज क्लियर है अब देखो अब मैं आगे बताती हूं स्टेप फाइव देखो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाने वाला है वैसे भी ये स्टेप फिफ्थ के केस में क्या होगा देखो स्टेप फिफ्थ में क्या होगा यहां पर बोल रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है देखो इसकी एक एनर्जी है ईजी ऑर्बिट की मैंने बोला है कितनी होती है पॉइंट सिक्स होती है और इसकी जो नीचे वाला यानी कि टी टू जी की एनर्जी कितनी होती है माइनस पॉइंट फोर सिक्स नीचे वाला हमेशा माइनस में आता है ध्यान रखना ओके okay? तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी का जो एडिशन होगा यानी कि ये जो टोटल एनर्जी होगी इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये पूछी जाती है

T2G की वैल्यू भी आपको बता दी ये कितनी होगी माइनस फोर पॉइंट माइनस पॉइंट फोर और ये होगी माइनस सिक्स माइनस पॉइंट सिक्स ओके okay, इतनी चीज क्लियर है अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज देखो सबसे पहले लिखा हुआ है ध्यान से सुनना सपोज सबसे पहले सॉरी किसके किसके चाहिए देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है टोटल एनर्जी रिलीज ड्यू टू द एक्सट्रेक्शन ऑफ अ पी इलेक्ट्रॉन आपका जो पी इलेक्ट्रॉन है पी इलेक्ट्रॉन कहा होंगे सपोज ये नीचे वाले के लिए इन यहां जो कितने इलेक्ट्रॉन है सिक्स इलेक्ट्रॉन ही तो प्रेजेंट होंगे ये सिक्स इलेक्ट्रॉन को इन्होंने बोला है पी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी पूछ रहा है तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो इसकी एनर्जी कितनी होती है माइनस पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन इतनी इसकी क्या होती है डेल्टा नॉट की इसकी एनर्जी होती है अब ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है एन इलेक्ट्रॉन बोलता तो हम इंटू एन करते अगर एम इलेक्ट्रॉन कहता तो इंटू एम करते पी इलेक्ट्रॉन बोल रहा है तो इंटू आपने क्या कर दिया पीछे से पी लगा देना है इतनी चीज क्लियर है अगला बोर्ड है टोटल एनर्जी गेन ड्यू टू द एक्सट्रेक्शन ऑफ अ क्यू इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे यानी कि ओवरऑल फोर इलेक्ट्रॉन ना बोल के बोल रहा Q ये बोर्ड है क्यू इलेक्ट्रॉन सपोज ये क्यू इलेक्ट्रॉन है ईजी सेट में तो इनकी एनर्जी कितनी होगी आपको मालूम है इसकी एनर्जी कितनी होती है पॉइंट सिक्स डेल्टा नॉट तो अगर मैं से क्यू इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालो तो इन टू क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा ओके okay? तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो आप क्या बोल सकते हैं यहां पर को माइनस पॉइंट फोर डेल्टा नॉट पी प्लस पॉइंट सिक्स डेल्टा नॉट क्यों ओके okay, तो यही तो हुई आपकी टोटल एनर्जी ओके okay, ये तो टोटल एनर्जी होगी अब ये बोल रहा है कि ये यही एनर्जी नहीं होती मैंने आपको एक और टर्म बताया था वो था पेयरिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए हो रही है जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ पेयर कर रहे हैं वो भी तो एनर्जी हुई तो ये बोल रहा है सपोज मीन पेयर एनर्जी उसे बोलते हैं मीन पेयर एनर्जी ओके okay? तो सपोज मीन पेयर एनर्जी वैल्यू इज डिनोटेड बाय पी सपोज आप पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू पी से डिनोट कर रहे हैं और आपके पास एन नंबर के इलेक्ट्रॉन पेयर है तो आप उसकी पेयर सपोज

ये हो गया इसमें क्या कर दिया मैंने पी लिख दिया क्योंकि पी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और पी नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन है सिक्स इलेक्ट्रॉन है ओके okay? और प्लस प्लस यहाँ पर को क्या कर रहा है अब देखो ना यहाँ पर को मैं सिक्स भी लिख सकती थी बट अगर मैं सीधे डी टेन की बात कर रही थी अगर मैं डी टेन की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालूंगी तब मैं यहाँ पर को इनकी नंबर्स लिखूंगी समझ में आ रहा ना अगर मैं डी टेन की बात करूंगी तब मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात करूंगी तो मैं, करूंगी, तो मैं P के बदले कितना लिखूंगी यहाँ सिक्स और ऊपर कितना रखूंगी फोर रखूंगी ओके लेकिन अभी मैं यहाँ डी एन की बात करूँ जरूरी जो कि यहाँ डी टेन इलेक्ट्रॉन होंगे सबके सब, सब इलेक्ट्रॉन और भी फील्ड होंगे मे बी एक ही इलेक्ट्रॉन हो ओके तो हम क्या है एन की वैल्यू यहाँ पर सपोज करके चल रहे हैं ओके तो, तो टोटल क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या हो गया इन दोनों का एडिशन प्लस ये पेयरिंग एनर्जी का एडिशन तो ये पूरा एडिशन को टोटल एनर्जी जो एक क्रिस्टल को स्प्लिट होने में लग रहा है उसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी चीज समझ में तो ये सारा था ऑक्ट्राहडवल के लिए अब देखो ऑक्ट्राहाडवल समझ गए तो टेट्राहेड्रल तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा यहां देख सकते हैं तो अब मैं आपको बताती हूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉरन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ओके तो, okay? तो वही स्टेप आपने कैरी करना है तो पहले स्टेप में क्या करना है जो आपका सेंट्रल मेटल एटम का जो लास्ट ऑर्बिट होता है डी ऑर्बिट जिसकी एनर्जी होती है फिफ्थ उसका बनाना है शेप तो आपको मालूम है फाइव ऑर्बिट होंगे लेकिन मैंने आपको क्या बोला एनर्जी का होते हैं जिसे मैंने आपको बोला वहां आप टी टू जी बोलते थे लेकिन जी हटा के टेट्राहेड्रल में सिर्फ टी टू बोलेंगे तो आप देख सकते हैं यहां सिर्फ टी टू टी टू टी टू लिखा है ओके okay? और बचे हुए ये दो जो आपके ऑर्बिट है जिसे आप एक्सियल ऑर्बिट कहते हैं जो कि एक्सियल में ओवरलैप होता है तो इन

वही चीज मैं आपको बताऊंगी पहले तो सारे सेट आपके डिजेनरेटेड है क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑर्बिट है सबकी एनर्जी इक्वल है क्यों इनिशियली आपके पास कोई भी बाहर बाहर से से लिगेंड 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 नहीं प्रेजेंट है लेकिन लेकिन जैसे आपने बाहर से लिगेंड लगा दिया मेटल में कोई भी लिगेंड, या फिर वीक अभी हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो आपने सिर्फ यहाँ पर को चार लिगेंड की बात करनी है कि यहाँ आपने सिर्फ चार लिगेंड लगाए हुए ओके जैसे आपने बाहर से लिगेंड लगाया उसका फॉर्मूला भी दिखा दीजिए सब सेंट्रल ये आपका जो सेंट्रल मेटल आइटम है वो आपका क्या है सीओ है और बाहर से

लेकिन ऑक्टा के केस में क्या होगा टी टू जी आपका एक तो टी जी में कन्वर्ट हो जाएगा टी टू में कन्वर्ट हो जाएगा और ई e आपका ई जी आपका सिंपल ई e में कन्वर्ट हो जाएगा ओके अब देखो ये जो टी टू पहले नीचे एनर्जी का था यानी कि लो एनर्जी का था टेट्राहेड्रल के केस में ये हायर एनर्जी का आ जाएगा टी टू आपने ऊपर रखना है ई e आपने नीचे रखना है और एनर्जी आपको मालूम है टी टू की एनर्जी माइनस फोर थी अब टी टू की एनर्जी माइनस के बदले क्या है मैंने आपको बोला नीचे वाला हमेशा माइनस में आता है ये सिंपल फोर हो जाएगी और नीचे वाली आपकी क्या होगी माइनस में होगी तो ध्यान रखना ये कितनी हो जाएगी पॉइंट फोर नीचे वाली हो जाएगी -0.6 पहले ये क्या था 0.6 नीचे वाली थी -0.4 इतनी सी समझ में क्यों नीचे आपका T2G था ऊपर आपका EG था लेकिन अब आप आपने शिफ्ट कर दिया T2 को ऊपर कर दिया E को नीचे कर दिया तो 4 तो ऊपर ही ला लेकिन sin 4 का ऊपर आ गया तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया 6 आपका माइनस नीचे आ गया तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया इतनी सी

फिलिंग फिल करानी तो के है की फिलिंग करा मतलब ये हुआ कहता था की सारे ऑर्बिट में एक बार इलेक्ट्रॉन पहले फिलिंग होनी चाहिए दोबारा रिपीटिंग तब होगी यानी कि डी वन के के केस में आपका क्या हो गया ये नीचे आ गया और आपको मालूम है ये आपका क्या था पहले आपका ये टी नीचे था अब टी टू ऊपर हो जाएगा यानी कि ये ई e ऑर्बिट है और ये आपका टी टू ऑर्बिट है गे? तो ई e में एनर्जी कितनी आई वन आई और टी टू में एनर्जी कितनी हुई जीरो है, इतनी टी टू ऑर्बिट यू ऑर्बिट ये आपका ई ऑर्बिट ओके तो इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल करेंगे डी थ्री इलेक्ट्रॉन करेंगे तो वन टू और हुंड रूल के अकॉर्डिंग यहां कोई वीक लिगिन और स्ट्रॉन्ग लिगिन आपने नहीं देखना यहाँ सीधे देखिए अकॉर्डिंग क्या होगा पहले वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा ओके अगले में क्या होगा अगर यहाँ फिल करेंगे तो ई e की वैल्यू कितनी आएगी टू और टी टू की वैल्यू कितनी आएगी वन ओके अगले में डी सिक्स में क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव एंड देन यहाँ पर सिक्स ई की वैल्यू होगी थ्री और टी टू की वैल्यू कितनी होगी थ्री थ्री ओके अब क्या है डी में क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट e की वैल्यू कितनी होगी टू टू फोर एक फाइव और t2 की वैल्यू कितनी होगी थ्री ये आपका बन गया ये ऐसे होती है इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग बहुत सिंपल है ये रूल के अकॉर्डिंग चलता है है टेट्राहेड्रल केस में ओके यहाँ पर का कोई दिक्कत नहीं आपका वीक या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंट है इतनी चीज क्लियर हुई अब आगे बढ़ते हैं अब लास्ट चीज है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले आप ऑर्बिट का डायग्राम बनाइए ताकि आपको पता चले ये आपकी डेल्टा नोट की वैल्यू है और नीचे वाले ऑर्बिट जिसे आप कह आप इसे क्या बोल रहे पी बोल रहे तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी ये वाले ऑर्बिट की हमने यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रखा अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रखती तो इसकी वैल्यू कितनी होती वन इंटू वन इंटू माइनस पॉइंट सिक्स वैल्यू होती लेकिन यहां मैंने जरूरी तो नहीं है एक ही इलेक्ट्रॉन होगा मे बी दो हो मे बी तीन हो तो हम इसे P कर रहे हैं ओके तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी इंटू पी इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी इंटू पी इतनी चीज क्लियर है ये तो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ तो क्या हो जाएगा जब आप टोटल एनर्जी निकालेंगे तो यहाँ है सपोज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने डी एन कॉन्ट्रिगेशन इज अरेंज अरे लोअर सेट इलेक्ट्रॉन एंड द हाइय सेट इलेक्ट्रॉन इज अ एंड क्यू तो बोल रहा है सपोज आपके लोअर सेट ऑर्बिट में और अपर सेट ऑर्बिट में जो

माइनस पॉइंट सिक्स ये है पॉइंट सिक्स डेल्टा नॉट इंटू पी इतनी चीज क्लियर है अब बोल रहा है एनर्जी अब अगर आप अपर ऑर्बिट की बात करेंगे यानी कि अपर ऑर्बिट क्या हो गया टी टू की बात करेंगे तो सपोज इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्यू है जिनकी वैल्यू क्या है वन से सिक्स तक वरी करेगी वन से सिक्स तक मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है दो भी हो सकता है तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं पांच भी हो सकते हैं छह भी हो सकता है, है तो इनकी एनर्जी कितनी होगी आपको मालूम है क्यू की वैल्यू क्या है वन से सिक्स इलेक्ट्रॉन की जिसकी एन वैल्यू क्या है सॉरी पॉइंट फोर है ओके okay? तो पॉइंट फोर ए की है तो आपकी क्यू की कितनी होगी इंटू क्यू ओके अब देखो अब आपके पास क्या है एक और एनर्जी होगी मैंने कौन सी एनर्जी बोला पेयरिंग एनर्जी तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू देखो पहले इन दोनों का टोटल सम निकाल रखा है तो इन दोनों का टोटल सम क्या होगा माइनस पॉइंट सिक्स डेल्टा नॉट पी प्लस पॉइंट फोर डेल्टा नॉट क्यू ओके okay, तो ये टोटल एनर्जी होगी लेकिन टोटल एनर्जी ये दोनों ही एनर्जी नहीं होती है एक और एनर्जी होती है वो क्या होती है पेयरिंग एनर्जी तो मीन पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू सपोज आपकी क्या है आ, क्या होती है पी से रिप्रेजेंट करते हैं और सपोज आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग करा रहे हैं वो कितने हैं एन नंबर के इलेक्ट्रॉन है तो कितनी एनर्जी हो जाएगी ओवरऑल एनपी हो जाएगी तो अब जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी तो यहाँ एनर्जी देखो माइनस डेल्टा नॉट ठीक है डेल्टा नॉट आपका दोनों में कॉमन है तो आप इसे बाहर कर लीजिए पी लिख दिया सिंपल प्लस पॉइंट फोर ये हो गया क्यू डेल्टा नॉट आपका बाहर आ गया प्लस एनपी चीज क्लियर है तो ये होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एन टेट्रा कॉम्प्लेक्स इतनी चीज क्लियर हुई ठीक है तो देखो अब लास्ट चीज आ गई इसकी लिमिटेशन एक बार हम लोग क्रिस्टल फील्ड फील्डिंग एनर्जी की क्या है लिमिटेशन भी देख लेते हैं तो देखो क्रिस्टल फील्ड देखो कोई भी थ्योरी ऐसी तो हुई नहीं कि ये सारी सारी चीजें फुलफिल कर दे ओके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती है क्योंकि हमारी डिमांड ही इतनी होती है किसी के लिए भी ओके उसमें ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए ये भी तो वैसा ही चीज है मॉलिक्यूल्स में भी हम लोगों को सारी चीजें चाहिए तो ऐसी कोई भी थ्योरी बन नहीं पाती जो हमारी सारी डिमांड्स को पूरी कर ले ओके तो यहाँ पर को लिखा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बहुत सारी चीजें बताई बहुत सारी

मेटल एटम की डी ऑर्बिट की बात की थी माना वो इसका आउटर ऑर्बिट था बट उस सेंट्रल मेटल एटम में एस ऑर्बिट पी ऑर्बिट भी तो प्रेजेंट थे तो उन्होंने यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सिर्फ डी ऑर्बिट पे बात की थी इसी के स्प्लिटिंग के बारे में बात की और एस और पी ऑर्बिट को पीछे छोड़ दिया ओके okay? तो ये भी एक इसका लिमिटेशन होगी दिस थ्योरी दिस थ्योरी टेक्स ओनली ए डी ऑर्बिट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम अदर ऑर्बिट सचिट एंड पी ऑर्बिट आर नॉट इन ओके नेक्स्ट चीज क्या बोल दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अ सर्टेन मेटल विच कैन कॉज अ लार्ज स्प्लिटिंग

जो आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि वाटर वाटर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे हो गया मतलब तो कि इसमें से क्या पाता है कि आपने इसे इस्टोंग लिगेंड में कंसीडर कर लिया और हाइड्रोक्सी को आपने वीक लिगेंड में कंसीडर कर लिया देखो मैंने आपको जब लिगेंड की टेबल बताई थी वहां भी मैंने आपको दिखाया कि हाइड्रोक्सी आपको मैंने बार बार बोल रही थी इसका रीजन यही है कि हाइड्रोक्सी देखो यहाँ पे भी लिखा है हाइड्रोक्सी आपका वीक लिगेंट है और वॉटर आपका यहाँ देख सकते हैं ये वाटर आपका स्ट्रॉन्गेंट है इन दोनों के कंपेयर में जब आप देखेंगे हाइड्रोक्सी तो फीक हो गया वाटर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया हाइड्रोक्सी के कंपेयर में तो ये बोल रहा है कि इन दोनों में से क्या डिफरेंस है क्योंकि वाटर को आप जब डिसोशिएट करेंगे तभी तो आपका हाइड्रोक्सी एन आएगा तो इन दोनों में ऐसे क्या प्रॉब्लम है यानी कि इन दोनों के बीच में ऐसा आपने क्या डिफरेंस देख लिया कि इसको एज ए वीक लिगेंट कंसिडर कर दिया इसे एज अ स्ट्रॉन्गली अगेन आपने कंसीडर कर दिया तो ये भी एक इसकी क्या बन गई थी लिमिटेशन बन गई थी इतनी चीज क्लियर हुई तो आई थिंक इतनी लिमिटेशंस भी इनफ होगी वैसे लेक्चर बहुत बड़ा हो गया वैसे ये और ज्यादा लंबा है मैं आपके एग्जांपल वगैरह भी समझा देती बट ये बहुत लेंथी बन जा रहा है ओके अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा बहुत ज्यादा हो गया वैसे भी मतलब ज्यादा होना चाहिए और तो अभी हम वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं होप समझ में आई होगी मैंने जितना ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा ओके कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अभी वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे तब तक ले